Hey friends, welcome again in my video. और जैसा कि आपको पता है, हमारा ये वाला सीरीज पार्ट 3 है और वडोदरा ट्रिप में पहले दो सीरीज में बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने कवर किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और पार्ट 2 में मैंने कवर किया था सयाजी बाग, जिसको हम कमाठे बाग भी बोलते हैं. और ये वडोदरा ट्रिप का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी और लक्ष्मी निवास पैलेस, जिसको LVP भी बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि वडोदरा में ये तीनों चीज़ें और इससे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें आप दो दिन के अंदर कवर कर सकते हैं. एक दिन में आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कवर होगा, क्योंकि वो वडोदरा से 30 किलोमीटर दूर पर है. और दूसरे दिन में आप कमाठे बाग, म्यूजिक आर्ट गैलरी और लक्ष्मी निवास पैलेस और एक EMC इसका मंदिर है, वो भी कवर कर सकते हैं. हमारे पास हमने मोस्ट ऑफ द टाइम आर्ट गैलरी में स्पेंड किया, इसलिए हमने वो मिस कर दिया. बट आप दो दिन के अंदर पूरा वडोदरा म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी का जो प्राइस है, टिकट प्राइस, वो 10 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन और 200 रुपीज़ फॉर फॉरनर है. अगर यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं आप, अंदर जहाँ पे जो भी म्यूजियम है वहाँ की पिक्चर लेना चाहते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज है 100 रुपये. और आप फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने किया है, वरना वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो इसका चार्ज है 500 रुपीज़. तो मैंने 500 रुपीज़ पे किया उनको और वो आपको एक कार्ड देंगे, जिस कार्ड को आप पहन सकते हैं. उसके बाद अंदर जो भी गार्ड हैं आपके, जो म्यूजियम का देख रेख करते हैं, वो आपको अलाउ करेंगे वीडियोग्राफी के लिए. प्लीज़ कीप इन माइंड दैट लाइब्रेरी ओपन टाइम इज़ 10:30 AM टू 6 PM. सो अगर आप बीच में जाते हैं तो ही आपको लाइब्रेरी ओपन मिलेगा, अगर आप इससे पहले जाते हैं तो नहीं मिलेगा. और ये आप देख सकते हैं, मैंने आर्मरी सेक्शन आपको दिखाया यहाँ पे. यहाँ पे बहुत सारी यू कैन से शॉर्ट रखी हुई हैं, तलवारें रखी हुई हैं और डिफरेंट काइंड से वो लोग यूज करते थे. और ये एक स्टैच्यू है उस ज़माने के, वहाँ पे जो गॉड्स थे उनके. तो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से काम किया गया है इन पर और ये बहुत ही सुंदर हैं. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके नीचे मेंशन है, जो आपको कैमरे में नहीं दिखा पाऊँगा मैं हर कोई चीज़, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में. इस सेक्शन में आपको जो ओल्ड टाइम के यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, जिसमें वो लोग लिकर लेते थे या कुछ भी तरह का ब्रेवरेज लेते थे, कुछ भी पीने के लिए लेते थे, उसका आपको देखने मिलेगा. किस तरह से इन पर महीन कढ़ाई की गई है और कितने सुंदर हैं, आजकल ऐसा चीज़ें देखने कम ही मिलता है. और इस वाले सेक्शन में आपको उस टाइम के पुराने ज़माने के क्लॉथ्स हैं, जो उनकी ड्रेस हैं, आप देखिए कितनी महीन कढ़ाई की गई है, कितना जरी का वर्क है वहाँ पर और कितना सुंदर लगता है जब देखते हैं इस तरह की पुरानी चीज़ें, तो आपको एकदम मज़ा आता है. आपको पता लगता है कि उस ज़माने में किस तरह से राजा महाराज की ड्रेसें होती थी, कितना महीन काम होता था. और ये आजकल की फैंसी ड्रेसें नहीं है, ये बहुत ही ऑथेंटिक पुरानी ड्रेसें हैं, साड़ियाँ हैं. तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब मज़ा आएगा और बहुत ही प्राउड फील होगा इंडिया की पुराना कल्चर पे. ये जो सेक्शन है ये बर्ड गैलरी है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है, उनके नेम दिए गए हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी और आप पहली बार देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं. क्योंकि नॉर्मली इस तरह का जो बर्ड्स रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं वो नॉर्मली दिखते नहीं हैं. यहाँ पे आप देखेंगे इसका कितना वैरायटी है. और अगर कोई इसमें मास्टरी करना चाहता है तो यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है. वैसे ये लोग ये चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेशनल है, तो आप उनको बता सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3rd फ्लोर का म्यूज़ियम है और बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ से. और इसीलिए आपको हर तरह का सेक्शन यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो एनिमल हो, फिश का हो, बर्ड सेंचुरी हो, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी. और इसको देखने में टाइम तो आपको लगेगा, बट आई विल एडवाइज़ कि थोड़ा सा सेपरेट टाइम इसके लिए लेके चलें. ये एनिमल सेक्शन दिखाया है यहाँ पर, किस तरह के वाइल्ड एनिमल हैं और
यहाँ पे फिश और अदर जो भी वैरायटी है, स्पीसीज है, जो भी वाटर से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, उनके बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया गया है। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी तरह के वैरायटी ऑफ फिशेस के नेम जानने मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। और ये है म्यूजिक सेक्शन, जो म्यूजिक प्रेमियों के लिए, अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है और म्यूजिशियन है, बहुत सारे वाद्य यंत्र जो पुराने ज़माने के जो वो लोग यूज करते थे, इसमें आपको देखने मिलेंगे। और कई ऐसे भी यंत्र मिलेंगे जो अब शायद कोई नहीं बजाता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी उस ज़माने की, और इनकी वैरायटी, इनका लुक, वास्तव में ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं इनको देख रहा था क्योंकि अभी केवल पिक्चरों में या ओल्ड प्लेसेज में ही इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, आज तरह के फैंसी ज़माने में इस तरह की पुरानी चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें देखना और जानना बहुत मुश्किल है। और ये है लक्ष्मी निवास पैलेस। इस पैलेस का जो निर्माण था वो गायकवाड़ फैमिली ने करवाया था, और अभी भी यहाँ पे महाराजा की फैमिली है, उनके लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे नॉर्मल को पर्सन को एंट्री अलाउ नहीं है, और इसका पैलेस का ओपनिंग टाइम है 9:30 to 5 PM। आप इस पैलेस को विजिट कर सकते हैं। इसकी टिकट चार्जेज हैं 250 पर पर्सन फॉर इंडियंस और 1000 rupees फॉर फॉरनर्स। इस पैलेस में टोटल नीचे के साइड में जो ग्राउंड फ्लोर है वही एरिया नॉर्मल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, जा सकते हैं वो लोग। और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक ऑडियो क्लिप टाइप से मिलेगी, एक पेनड्राइव मिलेगी और ईयरफोन मिलेंगे, और आप जब उसको फॉलो करेंगे तो इसमें 11 सेक्शन है। सेक्शन का मतलब है 11 कमरे हैं, और जब आप ईच सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डिवाइडेड किया है 1, 2, 3, 4, 5 up to 11। आप जिस भी रूम में एंटर होंगे उसका नंबर सपोज 1 है, तो 1 का आपको ऑडियो प्ले करना है, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें स्टैचू या जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं उसके बारे में आपको ऑडियो प्ले होगा, जानकारी मिलेगी, और इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब आपको जानने मिलेगा कि किस तरह से महारानी का स्टैचू वहाँ के पेरिस के कोई भी कलाकार हैं उन्होंने बनाया, किस तरह से वहाँ पर जो पेंटिंग है उसकी जो कढ़ाई की थी वो रवि शर्मा नाम के महाराजा ने की, और किस तरह की वो पेंटिंग है, कुछ गोल्डन पेंटिंग है जिन पर गोल्ड का वर्क है। तो इस तरह से जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुनेंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा उन चीज़ों के बारे में जो नॉर्मल देखने पर नहीं आता है। लक्ष्मी निवास पैलेस को अगर आप साइज़ के हिसाब से समझें तो, अगर आप लंदन गए होंगे और वहाँ पे आपने बकिंगम पैलेस जो महारानी विक्टोरिया का पैलेस है, उस पैलेस का 4 गुना बड़ा है लक्ष्मी निवास पैलेस। और इसका जो आसपास का एरिया है जहाँ पे ये गार्डन है और पोलो ग्राउंड है, वो उससे 10 गुना बड़ा है जो आसपास का एरिया बकिंगम पैलेस का है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है कंपेयर टू विक्टोरिया का जो पैलेस है लंदन में उससे। लक्ष्मी निवास पैलेस के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों ही अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, और इसलिए मैं आपको अंदर का कोई भी वीडियो या सीन नहीं दिखा सकता। और ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि अगर वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ कर देंगे तो आपको इतना एंजॉय नहीं, इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से चीज़ें देख चुके होंगे, और जब आप जाते हैं इंसा और पहली बार चीज़ों को देखते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट इफ़ आप वहाँ पर जाएँ और देखें, क्योंकि इसको देखना अपने आप में ही एडवेंचरस है और बहुत ही अच्छा है।
और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि गुजरात इज ऑल्सो फेमस फॉर फूड, तो यहाँ पे मैं आपको दो थाली के बारे में बताऊंगा जो आप जब वडोदरा जाएं तो आप ज़रूर खाएं। पहला है कंसार की थाली, इसका रेट है 250 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आपका चाइल्ड है 5 to 6 ईयर का तो वो अलाउ करेंगे आपको फ्री में, और ये अनलिमिटेड थाली है। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये रोड है जहाँ पे ये है सूर्य होटल के अपोजिट में, और इसका जो एम्बियंस है उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। अंदर से बहुत ही वेल डेकोरेट उन्होंने किया हुआ है, और थाली का साइज़ भी आप देख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये लोग वेलकम करेंगे, और आप थाली का ऑर्डर दे सकते हैं वहाँ पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सर्व करेंगे। कोई भी जल्दी नहीं है उनको, और बार बार आपको ये बोलेंगे कि और लीजिए, तो उससे और भी मज़ा आता है खाने में। और जब क्योंकि ये गुजरात है तो यहाँ पे आपको पता है कि खाने के लिए गुजरात जाना जाता है, और वडोदरा सिटी भी। और दूसरा थाली है मंडप का, जो कि 400 रुपीज़ पर पर्सन है, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम वहाँ पर नहीं जा पाए, और उसके खाने के बाद हम लोगों ने शेक पीने के लिए हम यहाँ पर गए। यह है शेक मेकर, आप गूगल पे इसका एड्रेस देख सकते हैं, और मैं इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का शेक अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू मुंबई बैक। सो ये ट्रेन है, इसको हम सफ़र बोलते हैं, और आई विल रिकमेंड दिस ट्रेन क्योंकि अब तक मैंने जो भी ट्रेन में जर्नी किया है उसमें ये सबसे बेस्ट ट्रेन है हम सफ़र। नाम याद रखिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।